सी, ये जो है हमारे, दीज आर द टाइप्स ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर ब्लड सकिंग। ये सीधा हमारी बॉडी में से लिक्विड न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं एंड सॉलिड न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, इसलिए इनको होलोजोइक नहीं बोला जाता। ये खुद अपना फायदा करते हैं और जिसके अंदर ये रह रहे हैं या जिसके ऊपर ये रह रहे हैं उसका नुकसान कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये हैं हमारे वॉर्म्स जो हमारी हमारी बॉडी में चले जाते हैं ना, डीज, ये जो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, ये हमारे वॉर्म्स हैं। ये हुक वॉर्म है। ये हुक वॉर्म बेसिकली एनिमल्स में होते हैं। समटाइम्स सम स्पीशीज आर रिपोर्टेड टू बी प्रेजेंट इन ह्यूमन आल्सो एंड कॉज इन्फेक्शन। दीज आर आल्सो काइंड्स ऑफ लाइस, ये भी लाइस है एंड ये बेड बग्स है। दीज आर द राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम टू अस। ओके, तो दीज आर काइंड ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद का क्या कर रहे हैं, वो फायदा कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, अब है हमारा टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ होलोजोइक। अब है हमारा टॉपिक द टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। देखो, होलोजोइक क्या होते हैं? जो सॉलिड फूड खाते हैं। अगर मैं बात करूँ स्कैवेंजर्स एंड डेट्रीवोर्स, वो भी क्या कर रहे थे? सॉलिड फूड ही खा रहे थे, बट वो कौन सा सॉलिड फूड खा रहे थे? डेड एंड डिकेइंग। दैट्स व्हाई वी वर टेकिंग देम इन द कैटेगरी ऑफ इन द कैटेगरी ऑफ सेप्रोटोप्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले वही होते हैं जो सॉलिड फूड खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग नहीं खाते। ठीक है, अब डिपेंड करता है बुक्स पे भी। सम बुक्स में मे बी इट इज रिटन एज कि जो स्कैवेंजर्स एंड डेट्रीवोर्स हैं, दे आर टाइप्स ऑफ होलोजोइक एनिमल्स, बट नो, मेजरली क्या है? मेजरली इज कि स्कैवेंजर्स एंड डेट्रीवोर्स आर सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, नाउ हर्बीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट हर्ब्स। कार्निवोर्स are those organisms that eat animals, and omnivores are those that feed both on plants as well as animals. ठीक है, organisms that feed on plants, they are herbivores. Organisms that feed on other organisms rather than plant, they are carnivores. And organisms that feed on both plants and other animals, they are the omnivores. Okay. अब अमीबा के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो लेट अस टॉक अस अबाउट अमीबा। या दिस इज अमीबा। अमीबा एंड गल्स इट फूड बाय टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इट्स बॉडी सरफेस कॉल्ड सूडोपोडिया। ये है अमीबा। हमें पता है अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, कैसा भी बना दो उसको, क्योंकि उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है, क्योंकि एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोअन है। ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है एंड सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। ओके, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उसमें सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, क्योंकि इसकी कोई सरफेस नहीं है, इसकी कोई शेप नहीं है ना, तो ये जो इसकी प्रोजेक्शंस है ना, इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोल देते हैं। बेसिकली ये सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया उसको चलने में हेल्प करती है। सूडोपोडिया का मतलब क्या है? फॉल्स फुट। फुट के जैसे दिखता है ना, ये एक पैर के जैसे दिखता है, ये नकली पैर है उसका। ठीक है, अब सूडोपोडिया है जो वो फ्यूज कर जाता है विद द फूड पार्टिकल। जब वो फूड पार्टिकल देखता है तो फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, ये देखो, ये फूड पार्टिकल है, इसने ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लिया। ठीक है,
इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसकी डाइजेशन कर रहे हैं। ये जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स इस फूड पार्टिकल के ऊपर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। एक्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट कर देंगे और अदर प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर देंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या आ जाएगा, मिक्स होके साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है जो डाइजेस्टिबल मटीरियल है वो अलग और नॉन डाइजेस्टिबल मटीरियल है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, दीज सिंपल सब्सटेंसेस आर देन डिफ्यूज्ड इनटू साइटोप्लाज्म। जो सिंपल सब्सटेंसेस, जो डाइजेस्टिबल मटीरियल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो फर्दर हमारे साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं अमीबा के। एंड जो बाकी चीजें हैं वो कहाँ रह जाती हैं, वो यहाँ पे इजेस्टेड वेस्ट मटीरियल बन के रह जाती है। ठीक है, और ये जो मटीरियल है, ये जो वेस्ट मटीरियल है, दैट कैन बी इजेस्टेड। इजेस्टेड का मतलब थ्रोन आउट, सेम एज जैसे उसने फूड मटीरियल लिया था। ठीक है, जैसे उसने फूड मटीरियल अंदर लिया वैसे ही उसने वेस्ट मटीरियल क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अंदर कैसे लिया था उसने, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। एंड बाहर कैसे निकाल देगा, बाहर भी विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। कि यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा उसका ब्रेक ऑफ हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से फूड मटेरियल बाहर निकल जाएगा। फूड मटेरियल अंदर भी कैसे गया था, ये देखो, यहाँ पे, यहाँ से ब्रेक देना सेल मेम्ब्रेन उसकी, और ये बाद में क्या होगी, यहाँ पे फ्यूज हो गई, उसने फूड मटेरियल को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, वैसे ही वो क्या करेगा, फूड मटेरियल को बाहर निकाल देगा। ओके, इसके हम थोड़ी सी एनिमेटिव रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो लेट अस सी, See, the food material is coming close to the cell membrane and उसने क्या किया, अपनी cell membrane को बंद कर लिया। Cell membrane is now closed and food vacuole क्या कर गया, fusion कर गया to the cell membrane and उसने क्या बना ली, अंदर जाके food vacuole बना ली। अब यहाँ पे क्या हो रही है, digestion हो रही है। धीरे धीरे डाइजेशन होते होते क्या हो जाएगा, ये देखो, सिंपल सब्सटेंसेस हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्यूज हो रहे हैं और जो नॉन डाइजेस्टिबल मटेरियल है वो पीछे रह जाएगा एंड अनडाइजेस्टेड मटेरियल फाइनली क्या कर गया, बाहर निकल गया टू द अमीबा।